साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पुलिस के साथ मिलकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। गुरुग्राम में जैसे कि कोरोना के मामले कम हुए, वैसे ही लोगों के मुंह से मास्क उतर गया और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम पुलिस के साथ बैठक कर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज्यादा से ज्यादा चालान करने की तैयारी में है। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी देश में इस तरह का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए गुरुग्राम में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। जहां पहले औसतन 3000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे थे, तो वहीं अब उसको बढ़ाकर 3500 कर दिए गए हैं। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें। जैसा कि आपको पता है, WHO ने डिक्लेयर किया और उसके साथ भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर हम सभी, न केवल गुड़गांव बल्कि सभी जिले हरियाणा के, इसके लिए सतर्क हैं और तैयार हैं। इसके लिए कल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब के साथ ऑलरेडी मीटिंग हम कर चुके हैं और उनको दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। 12 ऐसी हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं जिनमें ओमिक्रॉन से संबंधित कोविड केसेस की संभावना है या ये रहे हैं। इनमें मेनली यूके, तो जो यूके स्ट्रेन की वजह से हमेशा से रहा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और इसराइल। इन 12 कंट्री से अगर कोई आता है तो उसको या तो पहले एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा, अगर टेस्ट वो नेगेटिव है तो उसके बाद भी रीटेस्ट होगा आपका 8th डे पर। 14 डेज के लिए प्रैक्टिकली आपको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और इनके अलावा कोई इंटरनेशनल ट्रेवलर आता तो उसको भी 14 डेज के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। गुड़गांव के लिए ये मायने इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गुड़गांव ना केवल एयरपोर्ट के नज़दीक है बल्कि यहाँ MNCs कंपनीज हैं, मेडिकल हब है, टूरिज्म का हब है। इसलिए हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये कंपलसरी कहा गया है कि हमें हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दें। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मेडिकल टूरिज्म के लिए कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है या MNCs में कोई ऐसा आता है या कोई पॉजिटिव केस होगा तो उसको जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो पॉजिटिव नहीं होगा या अन्य इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, उनके 5% सैंपल्स जो हैं वो भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। अभी तक कोई कोविड का सर्ज एज सच जिले में या प्रदेश में नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको देखते हुए हमने एहतियात बरतनी जो थी वो बरत रहे हैं और केसेस ना बढ़ें इसके लिए हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। जहाँ हम पहले 3000 के करीब कर रहे थे, हमने 3500 तक उस टेस्टिंग को लेके चले गए और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की मात्रा बढ़ाएंगे। अभी हम 500 के आसपास कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको 1000 तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग कल बुलवा ली गई है, बुधवार के दिन। कल 11 बजे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होगी जिसमें पुलिस उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य विभाग जो इसमें शामिल हैं उन सभी के साथ मीटिंग की जाएगी और एक बार फिर से लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ी तो मास्क की चलानिंग या बाजारों में कोविड बिहेवियर के लिए पुलिस का सहयोग लिया जाएगा और सिविल डिफेंस का भी सहयोग लिया जाएगा। देखिए, कल ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में ये भी डिस्कस होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हमने शिक्षा के अधिकारी जो हैं DO और उनको सबको बुला रखा है। इस बारे में जो दिशा निर्देश अगर कोई अलग से सरकार के प्राप्त होंगे तो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अदरवाइज जो पहले से यही है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्कूलों में भी अपनाना पड़ेगा। और 100% अभी तो स्कूल ओपन है तो अकॉर्डिंगली वो होगा। बहुत जल्दी उम्मीद है कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी आएगी तो इसलिए जरूरी है कि ये प्रक्रिया चलती रहे। अभी हमारे पास 8 से लेके 13 के बीच में केसेज आ रहे हैं पिछले एक महीने में। अगर मैं पूरा नवम्बर माह की मैं बात करूँ तो तकरीबन यही एवरेज रही है। लोगों को एक बार फिर से आज सभी मीडिया से और आप के चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया और DC ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
और यदि जरूरत पड़ी तो बुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई किसी भी चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यम से अगर हमें आईसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी तो दोबारा से करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कुछ दिनों के लिए एक बार फिर सतर्क रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं ताकि नया वायरस यहाँ ना फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, CTD न्यूज़।